हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसी जानकारी कि कोई भी व्हीकल हो, यानी कि बाइक, फोर व्हीलर, कोई सी भी गाड़ी हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है और कहीं गिर जाती है, जैसे बाइक है और कहीं गिर गई, तो किस प्रकार से उसका क्लेम करवाएं। तो मेरी बाइक थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि भाई चला रहे थे तो रास्ते में गिर गई, तो काफ़ी टूट फूट आ गई थी। तो देखते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस रही, तो ये सब बताएंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर। तो बाइक को देखते हैं, बाइक के क्या क्या पार्ट्स डैमेज हुए हैं तो सब देखते हैं, और कौन कौन से पार्ट रिपेयर होके आते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये आगे का इंडिकेटर, यानी कि यहाँ पर भी स्क्रैच आ गए, और यहाँ पर यानी ये लाइट टूट ही गई है पूरी तरह से यहाँ पर, और ए इंडिकेटर, और ये अपना क्लच लीवर यानी टेढ़ा हो गया है ऐसे, इस प्रकार से यहाँ पर भी डैमेज आया है, और यहाँ पर लेग गार्ड पर भी ये आधे से ज़्यादा घुर गया है, यहाँ पर घिस गया, और अपने ब्रेक पर भी थोड़ा सा ब्रेक भी घिस गया है यहाँ पर, और बाकी ये लेड पोटेस्ट भी घुर गया, और पीछे की साइड के भी इंडिकेटर टूट गए हैं इस तरह ये, और इस साइड दोनों साइड बाइक का एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी तेज स्पीड से थी, लगभग 108-10 की स्पीड से, और गिरी हुई है काफ़ी तेज गिरी इस साइड से भी, यहाँ पर भी थोड़ी स्क्रैच आए, और यहाँ पर इसके भी एक टूट गया ब्रेक पैडल। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स रिपेयर होके आते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहती है, कितने दिन में बाइक मिलती है। तो आज हम जमा करने जाएंगे इस बाइक को। तो आज की डेट है 17/2/2022, यानी 17 तारीख को जाएंगे। तो देखते हैं कितने दिन में रिपेयर होकर आती है बाइक। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक ही देखें। और अब बात करें डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं फाइल बनाने में, जमा करने में वहाँ पर बीमा के। तो सबसे पहले आधार कार्ड, और फिर दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन, फिर ड्राइवर लाइसेंस, और पासबुक बैंक की, यानी कि पासबुक की फ़ोटो कॉपी, ताकि उसमें पैसे आ सकें रिटर्न में, और एस्टीमेंट जो जो पार्ट्स डलने हैं उसका एस्टीमेंट, और पॉलिसी, बीमा की पॉलिसी लगेगी। तो पासबुक की फ़ोटो कॉपी इसलिए लगती है ताकि पहले वो आपको कैश में पैसे जमा करने होंगे, और फिर इसके बाद में आपके अकाउंट में वापसी में रिटर्न होंगे, तो इस प्रकार से वो लगती है। दोस्तों, ये गाड़ी आ रही है और अब हो जाएगी यहाँ पर जमा, और जी हमें कार्ड मिल जाएगा इसका। तो आज हम जमा कर देते हैं बाइक को और देखते हैं कितने दिन में मिलती है, कितने दिन में रिपेयर होकर मिलती है। एक कार्ड अभी हमारे लिए बनेगा, नाम लिखेगा इसका। तो यहाँ पर भैया चेचस नंबर लिख रहे हैं, चेचस आ जाए सीरियल, चेचस नंबर, ये कार्ड हमें देंगे, और फिर देखते हैं कितने दिन में हमारी बाइक हमारे पास आती है। तो यहाँ से हमें ये रसीद प्राप्त हुई है, इस पर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, और अपाचे वाइट कलर, यानी कि बाइक का कलर, नंबर, और इस तरफ भी देख रहे हैं। अपने गाड़ी यहाँ पर जमा कर दी है, अब हम जा रहे हैं घर। तब आएंगे जब इनका फोन आएगा, तो तब हम अपनी गाड़ी लेने आएंगे यहाँ से। तो दोस्तों, हम लोग अपनी गाड़ी लेने आ गए हैं, तो जी आ रही सामने हमारी बाइक। तो देखते हैं इसके कौन कौन पार्ट्स बदले हुए हैं, कौन नहीं बदले हुए हैं। तो दिखाते हैं गाड़ी का कौन कौन सा पार्ट्स बदल गया। तो सबसे पहले करें बात बाइजर की, तो बाइजर नहीं बदला क्योंकि इस पर इतने ज़्यादा स्केच नहीं थे, और जे साइड का पल्ला दोनों साइड के बदल गए, जे वाला, और लाइट भी बदल गई थोड़ी, यहाँ पर घिस गई थी तो जे भी न्यू डल गई, और इंडिकेटर एक तरफ के पास करे थे लेकिन एक तरफ के हमने डलवाए, और जे यहाँ पर क्लच लीवर भी दूसरा डल गया, और जे हैंडल बार दोनों डल गए, इस तरफ का और इस तरफ का, दोनों साइड का, और यहाँ पर जे भी चेंज हो गया इसका यहाँ पर, और यहाँ लेग गार्ड भी चेंज हो गया,
यहाँ पर पूरा घिस गया था, ये भी चेंज हो गया। बाकी यहाँ चेंज नहीं हुआ, ये पास नहीं किया उनने यहाँ पर। और पीछे साइड इंटीग्रेटर टूटे थे दोनों, तो ये न्यू डल गए। तो अब दोस्तों आपको बिल दिखाते हैं इसका कि क्या कुछ इसका बिल आया है। तो ये पुराने पार्ट्स हैं जितने बदले हुए हैं, न्यू डल गए। अब ये पुराने बाइक के हैं तो इन्हें घर ले जाएंगे। ये है लैग गार्ड और ये अपनी लाइट, हेडलैम्प हो गया, हेडलैम्प और ये हैंडलवार हो गया, इंडिकेटर वाइजर सारा सामान से हम घर ले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी बाइक का या कुछ किसी भी व्हीकल का क्लेम कर सकते हैं, और ये प्रोसेस रहती है उसमें। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बीमा ऑफिस में ही, जहां से आपने इंश्योरेंस करवाया है जिस कंपनी से, उसी ऑफिस में ही करना होगा जमा। और फिर आपके रिफंड में जो पैसे आएंगे तो वो आपको टाइम लगेगा उसमें, यानी कि 15 से 20 दिन लग सकता है उस पैसे आने में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय। दोस्तों ड्राइव करते समय हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें।